ना झांक सके गद्दार, ऐसी दीवार बनाते हैं जाति तोड़कर दोस्तों फिर से मोदी सरकार बनाते हैं। है विश्व हमारी मुट्ठी में, है विश्व हमारी मुट्ठी में, भविष्य हमारी चाहों पर, विश्व गुरु बन जाएगा भारत, चले मोदी की राहों पर। हम सबके नेता, देश के गृह मंत्री, जिनका स्नेह आशीर्वाद हमें हमेशा मुझे मिलता रहा है और जिनकी कृपा से 2014 में मैं लोकसभा के अंदर प्रवेश किया था और जिनके आशीर्वाद से 2019 में लोकसभा में पुनः प्रवेश करने जा रहा हूं, ऐसे हम सबके नेता आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित इस लोकसभा के प्रभारी के रूप में सरकार की तरफ से प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री वीएल वर्मा जी, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और जिनका विशेष आशीर्वाद इसमें मुझे मिलता रहता है, मेरे बड़े भाई राजीव कुमार सिंह बब्बू भैया, हमारे बिथरी चैनपुर के विधायक आदरणीय राजेश कुमार पप्पू भैया, हमारे शेखपुर के विधायक आदरणीय धर्मेंद्र साह पप्पू भैया, हमारे जिले के इस बदायूं के प्रभारी आदरणीय कुमार महाराज सिंह के, हमारे बरेली के प्रभारी आदरणीय स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी, इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय रामगोपाल मिश्रा जी, हमारे इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय राम प्रताप जी, पूर्व विधायक पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रेम स्वरूप पाठक जी, इस जनपद बदायूं के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष आदरणीय हरीश साक जी, हमारे बरेली के अध्यक्ष कुंवर रविंद्र सिंह राठौर जी और मेरे पिता तुल इस दातागढ़ से कई बार विधायक रहे आदरणीय अवनीश कुमार और पप्पू भैया, और मंच पर बैठे नाम लेंगे लंबी चर्चा होगी सभी सम्मानित नेतागण साथियों और मित्रों, मुझे बहुत लंबी चर्चा नहीं करनी है। आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस, उन्होंने कहा था ये छुआछूत का भेदभाव है बीमारी छूत छूतों की, ये छुआछूत का भेदभाव है बीमारी छूत छूतों की, दुर्दशा ना होने दूंगा मैं मां के इन सूर सपूतों के, जब तक है पाखंड धरा पर तब तक मैं चैन नहीं लूंगा, सिर पर पहाड़ विपदा के हर के जो मैं बेचैन, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए इस आंवला लोकसभा के सभी सम्मानित मतदाता, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताओं बहनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि मैंने कहा मैं अपने मन को हमेशा साफ रखता हूं, मैं अपने मन को हमेशा साफ रखता हूं, जमाना नाज करे वो विवाद करता हूं, कौन रुकेगा जाने से मुझे दिल्ली, क्योंकि मैं गृह मंत्री का आशीर्वाद भी साथियों और मित्रों, सबका साथ और सबका विकास, ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से गरीब कल्याण के काम किए, और मैं तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हूं हमारे इस लोकसभा में जहां डिग्री कॉलेज, आपके फायर स्टेशन, सभी सड़कें, और विशेष तौर से कहीं कोई लोकसभा के विकास में कमी नहीं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई विशेष इच्छा भी नहीं, एक पुल नगरिया कानून का जो स्वीकृत हो गया, उसने डिप्टी सीएम के सब जी आए थे, उन्होंने कहा जैसी आचार संहिता हटेगी उसका भी पैसा रिलीज कर दिया जाएगा, तो इसलिए जिस तरह से लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम नारे दिए गए, आपने नारा पढ़ा होगा तिलक तराजू और तलवार इनके मारो आगे नहीं, नारा बदल गया,
जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। नारा बदल गया, जिसकी जितनी थैली वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर नारा बदल गया, चल गुंडों की छाती पे बटन दबाओ हाथी पे। फिर नारा बदल गया, गुंडे चल गए हाथी पे गोली पड़ेगी छाती। अब क्या नारा देंगे? गुंडों की गोदी से बुआ लड़ेंगे मोदी से। साथियों मित्रों, टिकट अभी बता रहे थे, हीरा जी चर्चा कर रहे थे, खरीदने गई थी टमाटर, टिकट चाहती थी बिजनौर से, पैसा दिया था बिजनौर का, कोई ज्यादा पैसा देने वाला आ गया, उनको आलू खरीदने आंवला में भेज दिया गया। ऐसे ऐसे लोग कहीं 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 का रोड़ा भानुमती ने कुलवा जोड़ा। साथियों और मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जिनकी नीति और नियति स्पष्ट है, जिनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा, केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस आंवला के विकास में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई जातिवाद नहीं, कोई वर्गवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और लगातार 24 घंटे रह करके लोकसभा की सेवा करने का काम किया है। हमारा नेतृत्व मंच पर बैठा है, एक व्यक्ति आरोप लगा दे कि धर्मेंद्र कश्यप ने कहीं पैसा लिया, भ्रष्टाचार किया है, मैं चुनाव नहीं लूंगा, आप सबसे माफी मांग करके चला जाऊंगा। साथियों मित्रों, हाँ मेरे साथ कुछ लोग साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ खराब मेरे बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आप लोग समझदार हैं और इस आंवला की जनता समझदार है। आप लोग 23 अप्रैल को कमल का वचन जब दबाएंगे तो 23 मई को हम कहेंगे 23 मई सपा बसपा और कांग्रेस गई। बहुत लंबी चर्चा ना करते हुए केवल ये कहते हुए कि नमो नमो का नारा चारों ओर सुनाई देता है, नमो नमो का नारा चारों ओर सुनाई देता है, मेरे भारत ने परिवर्तन दिखाई है। परिवर्तन क्या है? अगले देश के प्रधानमंत्री जो नए भारत की कल्पना करना चाहते हैं, उस नए भारत के निर्माण के लिए आप 23 तारीख को कमल का बटन दबा दे और मोदी सरकार बनाने में सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अब जिनको आप सुनना चाहते हैं, दातागढ़ की जनता जिन पर हमेशा फिदा। हमारी और वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए प्रकाश 24, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियो और न्यूज़ अपडेट सबसे पहले।